11 बज रहे हैं और मेरी होस्ट कुछ खाना प्रिपेयर कर रही है. थैंक यू वेरी मच. स्पेशल बोलसोई. या 10 रुपया. इनफैक्ट पता है मैं ना एक्चुअली ये वेजिटेरियन है और इन्होंने मेरे लिए स्पेशली मीट लाया है क्योंकि मैं खाऊं. थैंक यू वेरी मच फॉर दिस. आई थिंक गाइस इट्स अ प्लेजर टू हैव यू हियर. ये भाई काउचसर्फिंग का फायदा, मतलब क्या लोकल लोकल खाने को मिल रहा है, ऐसा मुझे रेस्टोरेंट में बिल्कुल ना मिलता. बताओ. गुड मॉर्निंग गाइस, वापस से एक नया दिन. आज कितने बज रहे हैं दिन के? 1 बज गए. गुड मॉर्निंग क्या बोलूँ, गुड इवनिंग बोलूँ, गुड नून बोल लो, जो भी हो. वैसे क्या है ना कि मैं सो के उठा 11 बजे के आसपास, और क्योंकि मैं कल रात को सोया था 10 बजे, 11 बजे सो के उठा. हाँ तो अराउंड 12 घंटे से 13 घंटे सो गया मैं. दो दिनों से सोया नहीं था मैंने. आपको पता ही है कि जब मैंने कोरोना वायरस का टेस्ट करवाने के लिए चला गया तो पहला दिन, दूसरे दिन मेरी प्लेन छूट गई थी, तीसरे दिन मैं दुबई पे बैठे बैठे एयरपोर्ट पे रात भर एयरपोर्ट पे जागा रहा था. एंड नाउ अभी जस्ट उठाऊँ 13 घंटे, अब कल से नॉर्मल स्लीपिंग होगी. वैसे हम लोग खा रहे हैं. व्हाट इज दिस नेम, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस फूड? दिस इज मशरूम्स. आई डोंट नो द इंग्लिश नेम ऑफ दिस टाइप ऑफ मशरूम्स. बट रूस्की In Ukrainian, yeah. It's hlyby. Hlyby. Yes, it can. It good in nutrients. It's super, super good for health. Yeah. A lot of vitamins. So it's hlyby with carrots, onion, some sour cream, and garlic. A lot of garlic. A lot of garlic. Yeah. But it's very delicious. Очень вкусно. Yeah. Thank you. I was trying my best. Yeah. बहुत अच्छा खाना है. सुबह में हम लोग क्या क्या खाए थे? हुमुस भी अच्छा था यार. सुबह से हम लोग हुमुस खाया था, ये वाला, ये काफी अच्छा था. It's homemade hummus. It's a bit ugly because we already ate hummus. No, it's okay, good. It's a good. So it's homemade hummus with a lot of tomatoes. ये भाई काउचसर्फिंग का फायदा, मतलब क्या लोकल लोकल खाने को मिल रहा है, ऐसा मुझे रेस्टोरेंट में बिल्कुल ना मिलता. Only once. And I was like, what are you saying? Shit. Maybe you can take this one. I think this is more new. I have used it once. एक्चुअली हुआ क्या था, उसको पहले कोविड था. कल रात को जिसने बोला ना कि उसने कोविड, मेरी फट गई थी यार. मुझे लगा शी इज लाइक ये नया एक ही बार यूज किया. और ये हंसी जा रही उसी के सामने. कंट्रोल ना हो ऐसी यार. तेरे ब्रेसन टाइजर दे. हंसी आप जासना बंद कर. पहले तो थ्रो इट दे. दिखेगा नहीं ना. देखिए हटो. नहीं 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 थ्रो. हंसना टाइजर दे प्लीज. अगर वो कहेगी कि देयर इज माय मास्क. फेंक दिया. पता नहीं कहाँ खो गया क्योंकि मैं मास्क खो देता हूँ. कैमरा पकड़. दिन भर तो कुछ कर ही नहीं रहे थे, होस्ट के घर पे बैठे हुए थे, बातें चीज चल रही थी, खाना पीना खाया हम लोगों ने काफी. अकांक्षा तूने कितना खाना खाया आज? बहुत यार, पूरा दिन खाया है भाई. काफी अच्छी होस्ट है हमारी, मतलब दिन भर खिलाई जा रही है ऐसी मेहमान नवाजी, मतलब मैंने देखा ना था काफी है. मतलब मुझे रसिया क्या आधार है, यकूतिया वाला एकदम टोटल हाल है यहाँ पे, एकदम सही है यहाँ पे लोग. वैसे अभी हम लोग जा रहे हैं सिटी सेंटर की तरफ मेट्रो लेके. भाई साहब ठंड लगी पड़ी हुई है, -2 डिग्री सेल्सियस है. इरबिल में जब मैं था तो वहाँ पे 10-11 डिग्री थी, फिर भी उतनी ठंड नहीं थी. बट हाँ -2 हो गया अब. बट इस कपड़े से काम चल जा रहा है. मैंने सिर्फ 2 कपड़े पहने हैं, एक दस्ताना नहीं है. जो दस्ताना खरीदना पड़ेगा, पता नहीं कहीं कहाँ खो दिया. आपको याद होगा तो मैंने एक दस्ताना खरीदा था जब मैं सुलेमानिया के आसपास था, जब मैं इराक में था, पता नहीं कहाँ खो गया. अब मुझे वापस से खरीदना पड़ेगा. मुझे जाना है ऐसे डिकैथलॉन, कुछ कपड़े खरीदने हैं मुझे. कि सिर्फ मेरे पास यही कपड़ा है जो मैंने पहना है ठंडी वाले, बाकी सब समर क्लोथ्स है यार. मैंने आपको बताया था कि जब मैं इराक ये सोच के गया था कि मुझे वहाँ पर गर्मी मिलेगी, तो मुझे लगा वाह सही है, तो फिर वहाँ गया था ठंडी मिल गई. अरे भाई क्या व्यू है देखो पीछे, लाइटिंग लाइटिंग है. कैसा लग रहा है सिटी आकांक्षा तेरे को? इट्स नाइस. यूरोप वाली फील आ रही है? नहीं नहीं आ रही. इसने यूरोप में काफ़ी ट्रैवल किया है इसलिए इसको एंट्री जल्दी से मिल गई थी. मुझे लगा दिया उन लोगों ने 1 घंटे ना, 1.5 घंटे. पता नहीं अभी चलता हूँ, पहले मेट्रो खोजता हूँ. उन्होंने कहा था गोल वाला प्लेस आएगा. कहाँ पे यार गोल वाला प्लेस? आई थिंक इधर से रास्ता है. चलो लोकल लोगों से पूछता हूँ. तो भाई साहब एक दुकान पे आ गया था, यहाँ से ले रहा हूँ सिम कार्ड. इसका मिला सिम कार्ड लाइफ सेल और वोडाफोन.
बट लाइफ स्टाइल में मुझे मिल रहा है 200 लोकल करेंसी ग्रीदम समथिंग पता है मुझे पता नहीं नाम भूल गया हूँ मैं, और उसका पड़ रहा है अराउंड 200 का मतलब क्या हो गया यार 200 × 28 कर लो अराउंड $8.56 550 का सिम कार्ड, एक महीना अनलिमिटेड इंटरनेट, ठीक है बुरा नहीं है मेरे हिसाब से, 550 में एक महीने का अनलिमिटेड इंटरनेट मिलेगा, कॉल भी मिलेगा, विल आई आल्सो गेट सम कॉल कॉलिंग सम कॉल और नो यू कॉल टू एन नंबर 1500 1500 मिनट का कॉल भी है भाई, क्या है बहुत काफ़ी है मेरे हिसाब से तो 1500 मिनट कॉल है, उसके बाद अनलिमिटेड इंटरनेट, हाउ मेनी एमबीपीएस पर सेकेंड अभी मैक्सिमम स्पीड मिलेगा 500 GB तक, सॉरी 50 GB तक, उसके बाद मतलब थोड़ा स्पीड स्लो हो जाएगा, अनलिमिटेड मिलेगा 1 MBPS पर सेकेंड, ठीक है मेरे हिसाब से उतना बुरा भी नहीं है, 50 GB भी काफ़ी होते हैं यार, मैं यहाँ पे 20 दिन अभी हूँ इस कंट्री में, 20 दिन में 50 GB ठीक है। गुड मॉर्निंग, वापस एक नया दिन, कल शाम को यहाँ पे आ गया था, बाहर तो रात को मैंने वीडियोज ही नहीं बनाई क्योंकि उससे बैठा हुआ था वहाँ पे एक जगह पे, और कुछ कल लाइव गया था एक्चुअली, तो मैंने सोचा कि आपको लाइव ही दिखा दूँ, तो कल की अब लाइव देख लेना अगर आपको देखना हो तो, मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वैसे आज सुबह सुबह हुआ है, रात को काफ़ी लेट सोया था और लेट उठाऊँ, अभी कितने बज रहे हैं 11 बज रहे हैं और मेरी होस्ट कुछ खाना प्रिपेयर कर रही है, थैंक यू वेरी मच स्पेशिया बोल सोए नज़दरोबिया इनफैक्ट पता है मैं ना एक्चुअली ये वेजिटेरियन है और इन्होंने मेरे लिए स्पेशली मीट लाया है क्योंकि मैं खाऊँ, थैंक यू वेरी मच फॉर दिस, आई थिंक Guys, it's a pleasure to have you here. I feel your energy, so no, even without discussion, everything. यार काफी ज्यादा इस तरह से यार और कुछ कुछ बताता हूँ कुछ कुछ हुआ है और साथ साथ यार देखो meat you are vegetarian right? It's like yes, it's traditional sour. Yeah. For Ukrainians, but it's mixed with meat. It's not pure sour. Oh. But anyway, you will try at least a bite of it. Of course, of course. Yes, I mean because it's mixed with meat. So you will try it, and usually it's good with the garlic. The garlic. And you are getting this strong smell, and with some vodka. But it's morning, we don't need vodka. Yeah, of course we don't need vodka, of course. और हाँ ये बताना तो भूल ही गया, हमारे साथ एक और मेहमान जुड़ गई है। नमस्कार। नमस्कार, कैसे हो आप? मैं बहुत ठीक हूँ, आप कैसे हो? कहाँ से आ रही है तू? मैं आ रही हूँ केन्या से। केन्या से कैसा लगा? केन्या अच्छा था। अच्छा था? It was good, the weather was nice. हिंदी? वेदर वेदर को हिंदी में क्या बोलते हैं? मौसम मौसम अच्छा था और कंपेयरिंग टू तंजानिया मैं इसकी हिंदी सुधार रहा हूं इसलिए मैं तुझे हिंदी बोल पाता हूं। आई नो काफी तेरी हिंदी सुधर जाएगी मेरे साथ रहेगी। आई थिंक यू विल लर्न फ्रॉम मी, तुम मुझसे सीख लेना हिंदी। यार एक्चुअली क्या हो रहा है, इसके साथ रहते रहते मेरी भी हिंदी गड़बड़ा जा रही है। गुड इवनिंग गाइस, तो कैसे हो आप लोग? वेल आज मैं आ चुका हूँ भावन भाई के घर पे। भावन भाई मैं नाम से ले रहा हूँ आपका? भावन भावन शर्मा। इन्होंने मुझे काफ़ी मैसेज वगैरह किए थे इंस्टाग्राम पे, बट सॉरी मैं देख नहीं पाया, बहुत बहुत सॉरी। मतलब मुझे मैसेज आते हैं आप लोग, मैं काफ़ी बोलती हूँ कि रिप्लाई नहीं कर पाता, बट मुझे इतने आते हैं, मैं वीडियो भी डालना पड़ता है, पढ़ाई भी कर रहा हूँ थोड़ी थोड़ी, तो नहीं हो पाता सब कुछ। थैंक यू सॉरी बहन मेरी तरफ से, आपने इन्होंने मेरे लिए इनफैक्ट गाड़ी वगैरह भेजी थी एयरपोर्ट पर यार, तो मैं देख ही नहीं पाया वगैरह, मैंने मैसेज नहीं देख पाया। साथ में है अनुषा से, हाय टू द कैमरा। हेलो नमस्कार। अनुषा को आप जानते हो गए दुबई से, वो आप आज ही सुबह आई है आपको मिलाना। साथ में आकांक्षा आपको आप जानते ही होंगे। हाय आकांक्षा। और साथ में मेरी प्यारी होस्ट लीना। Hey, I was lucky to meet these guys unexpectedly. And today you're gonna try Indian food. Yes, today I will try the first time in my life. Oh, not in, when I'm cooking, sometimes I can try some food, but I never thought that you're getting so much impressions when you are eating with hands. Eating hand? So I will try it with you. Wow. No, तो और भाई ने क्या क्या खाना मंगवाया? चावल है और क्या क्या है? पनीर है, सांबर है, पनीर मसाला है, चिकन मसाला है। वाह भाई वाह, बहुत दिनों के बाद खा रहा मैंने बनाया है। गजेला। ये भैया भाई काफी अच्छी कुकिंग करते हैं, आपने बताया था ना काफी अच्छी कुकिंग करते हैं आप, कभी मौका मिलेगा तो जरूर खाएंगे ऐसे। अभी मैं यहां पे मेरे इंस्टाग्राम पे होती है, तुम वहां से देखा करो। आप ये काफी अच्छा बनाते हैं, मैं इसका इंस्टा डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप चेक कर लेना वहां से। और भाई साहब ये खाना खाने वाले हैं और आपको मैं शो करता हूँ, वो मैं शो कर सकता हूँ ना गन वगैरह आकांक्षा? श्योर। तो अभी हम लोगों ने कुछ कुछ इंस्टाग्राम पे डाली थी, ये था हमारे पास, खाली पड़ा हुआ है, बड़ा हुआ नहीं है, खाली पड़ा हुआ है।
वैसे सब चलाने भी नहीं आता मुझे तो। और एक इसमें ही पड़ी हुई है, बाद में इसमें सब कुछ खाली पड़ा हुआ है, इन्होंने लाइसेंस वगैरह लेके रखा है। अब मतलब किस किस लिए आपने लिया था ये गन वगैरह? ऐसे ही जस्ट फॉर जस्ट अ हॉबी। और इनकी एक बहुत बड़ी हॉबी है, इनके घर पे अजगर है यार। भाई अजगर को मुझे टच करने का मन है बट डर भी लग रहा है यार। नो नीड टू वरी अकाल जी, मेरी प्लीज वीडियो बना प्लीज फास्ट कम। नहीं 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 दोस्त भाई ना, ना हो पाएगा मुझसे। ओ भाई कुछ नथिंग, नो नीड टू वरी। ओ भाई ना मुझे डर लग रहा था यार, अजगर है यार। शुभम ये तो डालना पड़ेगा हाँ? कि शुभम को डर भी लगता है यार, डर लगता है कार्ड लेगा गया। ये क्लिप मुझे भी सेंड कर दे। यू आर लाइक सो स्केयर्ड ऑफ दिस एंड लुक एट हिम, ही इज लाइक नॉर्मल। भाई काटेगा नहीं ना। अच्छा पॉइजन रिमूव किया है शायद। पॉइजन रिमूव है ठीक है फिर भाई साहब, ही विल नॉट कीप इट पॉइजन इज लाइक दैट भाई। इराक में ये सब खाना खाने के बाद आज क्या खाने मजा आ रहा है यार। देखो चावल और पनीर है और चिकन भी है। How is the food? And how are you liking? Like how do you feel eating by hand? It's something completely new. It's so interesting because it seems like I am eating twice. Yeah. I'm getting twice more impressions because I can feel it not only with the taste. But I can feel a structure in my hand. Wow. And it's interesting experience, something completely new. And I'm trying to do it more like confident. Confidently. You can sit somewhere. Because underneath. It's not usual. You can sit somewhere. Yeah, why don't you have a seat? This chair is done for. मुझे याद है मेरे घर पे जब खाना बनता था तो मेरी मम्मी इतनी खाना तीता बनाती थी कि मेरा हाथ जलने लगता था उसके कारण। अगर वीडियो देख रही मम्मी तो ठीक है, इतना तीता बनाती थी तू। हाँ कैसा है खाना लग रहा है अनु सर? मस्त जबरदस्त। मैं तो चिल्ली भी खा रही हूँ। तो भाई माहौल बना रहा है, माहौल देख रहे हो इस अंजल के साथ क्या माहौल है भाई। साथ में अजगर है मेरे साथ। कहाँ गया अजगर भाई? भाग गया वो। और ये अनुसा खाना पीना खाया यार, बहुत दिनों के बाद तीता खाना खाया। आज तो कुछ नहीं चलेगा, पल कल पता कि क्या हुआ, क्या खाया नहीं खाया। तो इनका घर भी एक एक्स सोवियत कंट्री घर की तरह ही दिखेगा भाई। मतलब मैं काफ़ी सारे एक्स सोवियत कंट्रीज गया हूँ और ऐसा ही घर है भाई। देख लो जैसे आप एंट्री लेते हो ना तो आपको रशिया और यूक्रेन में क्या कल्चर है, यानी कि आपको अपना जैकेट ना टांगना पड़ता है। आप जूते यहाँ पे खोल लो, इस तरह हमारे घर पे होता है, लेकिन हम लोग जैकेट अंदर पहन के जाते हैं। यहाँ पे क्या है कि लगा रहता है हीटिंग सिस्टम। हीटिंग सिस्टम क्या होता है कि घर के अंदर आपको उतने ठंडे की जरूरत नहीं। ऐसे मैंने टोपी ऐसे लगाई कि मेरा बाल बिखर जाता है, इसलिए मैंने टोपी लगा रखा है। ऐसे ठंडी नहीं है यहाँ पे अंदर का। यहाँ पे हीटिंग सिस्टम वगैरह का सिस्टम है भैया। ये लोग कुछ कुछ बातें कर रहे हैं तब तक मैं इनसे बाद में बात करता हूँ। तो यहाँ पे हीटिंग सिस्टम वगैरह होता है, जितना मुझे पता है कि यहाँ के घर घरे होते हैं फ्लोर हीटिंग होती है या साथ में कुछ कुछ बैटरियाँ लगी होती है जो कि उसको हीटिंग कहते हैं यहाँ पे। और आपको अंदर गर्मी नहीं लगेगी, सॉरी ठंडी नहीं लगेगी। कितना भी -5 हो -10 हो आपको गर्मी मतलब ठंडी नहीं लगनी अंदर। तो ये छोटा सा घर है, आप ऐसे एंट्री लोगे यहाँ से। और ये थोड़ा नॉर्मल एरिया हो गया। इनका ये पूजा रूम है यार, काफ़ी अच्छा लगा मुझे देख कर यार। पता नहीं मैं अंदर जाऊँ या नहीं जाऊँ, क्योंकि मैंने जैसे चिकन खाया है तो मैं अंदर नहीं जाऊँगा। यहीं से आपको दिखा देता हूँ, इनका पूजा रूम है। वाह। और ये इनका रूम ऐसा है, लाइट जला के बाद में दिखा देंगे। और या अगर आप आए तो यहाँ पे एक और रूम है, ये रहा टॉयलेट। काइंड ऑफ एक्स सोवियत कंट्री घर यार, इस तरह के घर मैंने रशिया में काफ़ी देखे हैं और उसी टाइप का यहाँ पे हाल है वगैरह। इनका ये रूम है, इनका ये रूम। और यहाँ से कुछ दिखता है भाई बाहर का नज़ारा, बट आपको उतना अच्छा नहीं दिख रहा होगा क्योंकि अभी अंदर की लाइटें ऑन है। बट ठीक से हर की भी यार, की इतनी बुरी भी सिटी नहीं है, अच्छी सिटी लगी मुझे जितना अब तक समझ में आया। ठंड है ठीक, नॉर्मल ठंड है। और यहाँ पे हम लोगों ने खाना चला था, साथ में बैठा जलसा लगा हुआ एकदम। इंसान यहाँ बर्तन धो रही है। yes. कैसे अनुषा ने बर्तन धोया मुझे ही पता है भाई साहब, बर्तन धोने दे ही नहीं रहे थे। अनुषा ने क्या क्या बोला अनुषा तूने बर्तन धोने के लिए? I told him in Bhutan, yeah. If you have started washing one yeah. dish and if you don't finish it, then it will be a bad luck. Bad luck. I just made it up so that he gives me. Nice idea. It was a white lie because I didn't beat him. How's the food, Lina? Guys, I experienced something completely new. Because it was not only a tradition of eating with hands, yeah. but I'm quite sensitive person, yeah. and especially everyone has very sensitive fingers. We have a lot of meridians here. Yeah. So it was completely new experience.
experience. First of all, I was relaxed with you because I know that you accept this. It's not Ukrainian people who don't understand. So I was completely relaxed because I have exception. Then I was eating and I realized that I'm not just eating with hands. I'm feeling this food 100 more. Wow. Because I can feel the structure by my hands, not only with my tongue. Wow, that's true. It was like something exciting, something completely new. I will eat with hand at home when I'm alone. Hiding into my room and eating with hands. It will be my secret. It's my dark side. Don't tell anyone. Don't tell anyone. You're telling everyone in the video. Don't tell anyone. Kisi ko nahi batana. कैसा लगा अनुषा खाना बहुत अच्छा था। मैंने तो चिली खा लिया दो तीन, ये काफी चिली खाती है यार। और एक तो इन दोनों का नाम अनुषा आकांक्षा, मैं कंफ्यूज रहता हूँ, कभी इसको आकांक्षा कभी इसको अनुषा बोलता हूँ। आकांक्षा कैसा खाता खाना? खाना बहुत अच्छा था। पीता था ना यार, बहुत पीता था यार, बहुत पीता था यार, मुझे तो काफी पीता लग रहा था। मुझे नॉर्मल लगा, वो तो कल चलेगा पता मुझे। यार यहाँ पे देखो हीटिंग है ना, यहाँ पे फ्लोर हीट कर रहा है भाई, यहाँ पे हीट कर रहा है ना फ्लोर। भाई फाइनली जा रहा हूँ बबन भाई को छोड़ के। थैंक यू भाई, बहुत अच्छा लगा। वैसे कोई नहीं, हम लोग तो मिलेंगे ही, कोई नहीं। अभी तो मैं बहुत हूँ जिस में, अभी तो भाई से अभी कहीं कहीं लेके चलने वाले हैं, बहुत जगह चलेंगे। अभी आप प्लान करो। हाँ, मैं प्लान कर रहा हूँ कहाँ पे लेके जाओ। ठीक है जंगल लेके जाएंगे, जंगल में खाना बनाएंगे। ठीक है ओनली खाना ही बनाएंगे, खाना बनाएंगे और साथ में रशिया में तो भाई वोडका तो जरूरी है। वोडका मिल जाएगा घर का, वोडका घर का, तमसनिया तमसनिया। अरे यहाँ पे कोनियाग ही मिलती है क्या? कोनियाग मिलती है, कोनियाग। अरे हाँ, मैंने वहाँ पे ट्राई किया था कजाकिस्तान में, अच्छी थी वहाँ पे। तो मैंने स्टार्ट ही किया ट्रैवलिंग करनी रशिया से, तो रशिया में लोगों ने मुझे जबरदस्ती चाय के नाम पे पिला दिया था बोट का। यार पहली बार गया तो मैं, मुझे चढ़ गई, मैं लगी क्या ये बोला चरस की, चरस की चाय पीना। मैंने कहा दो दे दो चाय पिलाएगा ना दीदी, अब बोट का मुझे लगा ये पानी है। ठीक है, उसमें पहले समझ में था नहीं, मैं 16 साल का था उस समय। पी लिया, बड़ा कड़वा लगा, बोले और पियो। मैंने कहा ठीक है दो, अब कैसे मना कर सकते हैं, पहला बार था मुझे, काफी साय बनता था। मैंने पी लिया दो तीन बार, फिर चढ़ गई, मतलब मुझे घूमने लगा पूरे ही, हो गया रहा है दुनिया गोल क्यों है, अब सब ज्यादा दुनिया गोल है। फिर मैंने कहा ठीक है हटाओ यार, अब रशियन के साथ ज्यादा करेंगे नहीं। तो रशियन लोग ऐसे हैं, वहाँ पे लोग नॉर्मल है वोडका वगैरह, घर पे लोग अपने फैमिली के साथ पीते हैं, अपने बेटे बच्चे के साथ पीते हैं रशियन में। जैसे हम भूटान में पीते हैं। हाँ भूटान में भी ऐसा ही कल्चर है। गड्डी लिया गेट को। थैंक यू वेरी मच भाई आपके इस हॉस्पिटैलिटी के लिए। अभी ये हॉस्पिटैलिटी नहीं, अच्छा ये तो सिर्फ अभी ट्रेलर था, अभी पिक्चर बाकी है मेरे दोस्त। अच्छा अच्छा, ये भाई काफी अच्छी खाना बनाते हैं, तो खाएंगे भाई। पक्का पक्का पक्का। ये भाई इनके बाहर का नज़ारा, चलो चलते हैं।